हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं सस्टेनेबल का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन और साथ में देखेंगे कि सस्टेनेबल वर्ड का हमें सेंटेंस में यूज कैसे करना है। वीडियो के एंड में बताया गया है कि सस्टेनेबल वर्ड के सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले सस्टेनेबल की प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। Sustainable का मतलब होता है able to continue for a long time, जो लंबे समय तक जारी रह सके उसे हम sustainable कहते हैं। यानी जो भी चीज लंबे समय तक चल सकती है उसे sustainable कहा जाता है। Able to continue without causing damage to the environment, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जिस काम को जारी रखा जा सकता है उसे sustainable कहते हैं। तो आइए कुछ sentence examples देखते हैं with sustainable। That sort of extreme diet is not sustainable over a long period. That sort of extreme diet is not sustainable over a long period. उस तरह की तीव्र डाइट लंबे समय तक नहीं की जा सकती। We remain committed to ensuring the sustainability of our social security system. We remain committed to ensuring the sustainability of our social security system. हम अपनी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। Marketing plays a key role in a company's plan for sustainable business development. Marketing plays a key role in a company's plan for sustainable business development. स्थायी व्यवसाय विकास के लिए कंपनी की योजना में विपणन यानी मार्केटिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सिंपल शब्दों में सस्टेनेबल का मतलब होता है दीर्घकालिक, लंबे समय तक चल सकने वाला, कायम रहता है जो लंबे समय तक, टिकाऊ, स्थायी या स्थिर। तो आइए हम सस्टेनेबल के सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स देख लेते हैं। वायबल विकास सक्षम, मेंटेनेबल पोषणीय, रिन्यूएबल बदलने या मरम्मत के योग्य जो चीज है, इको फ्रेंडली पर्यावरण के अनुकूल। वही सस्टेनेबल के एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं अनसस्टेनेबल, जिसे लंबे समय तक संभाला ना जा सके, अनस्टेबल अस्थिर, इनटॉलरेबल न सहने योग्य, अनसर्टेन अविश्वसनीय। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में आप सस्टेनेबल शब्द का सेंटेंस में यूज करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वर्ड। Until then, keep learning, read lot of books, and stay happy.